नमस्कार। आज मैं आपके सामने दो छोटी सी कहानियाँ प्रस्तुत करूँगा। इन कहानियों से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि अगर हम अपना मनोबल ना टूटने दें, अगर अपनी आशा ना टूटने दें और अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करें, तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। पहली कहानी में एक बड़ा महान राजा होता है, उसके साम्राज्य बहुत फैला हुआ होता है। एक बार वो समुंदर से अपने बेड़े के साथ सफ़र कर रहा होता है और अचानक से तूफान आने की वजह से उसके सारे जहाज तहस नहस हो जाते हैं। बस एक नाव बाकी रह जाती है। जितने साथी बच जाते हैं उस तूफान से, राजा उनको उस नाव पे लेकर आगे का रास्ता पूरा करने की सोचता है। उनका लक्ष्य ये होता है कि किसी भी तरह हम किसी नज़दीक की टापू तक पहुँचें और वहाँ पे हमें सहायता मिल सकती है, वहाँ पे हमें वापस घर पहुँचने की मदद मिल सकती है। कुछ दिन सफ़र करने ते रहने के बाद उनमें से एक बंदे का मनोबल टूटना शुरू हो जाता है, उसकी हिम्मत टूटनी शुरू हो जाती है। वो देखता है कि आसपास बस समंदर ही समंदर है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए पानी है। वो देखता है कि सारे जो उसके साथी हैं उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है और इस परिस्थिति में वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वो अपना मानसिक संतुलन खोता चला जाता है और खूब रोना शुरू कर देता है और बार बार राजा से दुआई करता है कि राजा जी मुझे किसी भी तरह बचा लो, मुझे मरना नहीं है। राजा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर कोई असर नहीं होता। इस व्यक्ति की हालत देख राजा जी को चिंता होने लगती है कि कहीं और व्यक्तियों का मनोबल टूट गया तो वो आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। तो वो वज़ीर को कहते हैं कि वज़ीर जी, आप इन्हें समझाने की कोशिश कीजिए वरना ये हम सबके लिए घातक होगा। वज़ीर जी राजा से कहते हैं कि आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी इनका निवारण करता हूँ। वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि उस व्यक्ति को उठा के नाव से बाहर फेंक। सैनिक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक उस आदमी को उठा के नाव से बाहर फेंक देते हैं पानी में। जब वो व्यक्ति अपने आप को गहरे समुंदर में पाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो डूबने वाला है, तो वो चिल्ला चिल्ला कर दुहाई मांगने लगता है, प्रार्थना करने लगता है कि हे राजा जी, हे वजीर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस समुंदर में मत छोड़िए, मुझे जीना है। ये दुहाई सुनकर वज़ीर फिर सैनिकों को कहता है कि अब उसे वापस नाव पे ले लो। तो सैनिक उसे वापस नाव पे खींच लेते हैं। नाव पर आने के बाद वही इंसान जो अपना मनोबल टूट जाने की वजह से अपने मानसिक संतुलन को खो बैठा था, वो बिल्कुल एक शांत व्यक्ति की तरह नाव के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बैठ जाता है और उनके साथ मिलकर नाव को चलाने की कोशिश करता है। राजा ये सब देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और वो वज़ीर से कहते हैं कि वज़ीर जी, आपने ऐसा क्या किया कि ये इतना परिवर्तित हो गया? मुझे तो लगा था कि शायद आपने इसे मरने के लिए पानी में फेंक दिया, तो फिर आपने इसे वापस क्यों लिया? वज़ीर ने कहा, राजा जी, हमने सिर्फ उस व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश की कि गहरे पानी में होना और एक नाव में होने में क्या फ़र्क होता है। इसी तरह इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है वो ये मिलती है कि जीवन है तो परेशानियाँ आएंगी। अगर आप अपना मनोबल तोड़ बैठोगे, अगर आप अपनी हार मान लोगे, तो हर परेशानी आपको समुंदर जैसी लगेगी और आपको ऐसा लगेगा
कि आप इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। आइए आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में एक साहूकार होता है, बड़ा ही मोटा बदसूरत सा, और एक किसान होता है। आप सबको पता है किसान अक्सर कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, तो ये किसान भी साहूकार से कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी कर रहा था। मौसम किसान पर इतना मेहरबान ना था उस समय, उस साल बारिश नहीं हुई और किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई। साहूकार ने इस परिस्थिति का फायदा उठाने की सोची। वो अपने लठैतों के साथ किसान के घर पहुंचा और उसने कहा कि मुझे मेरा कर्ज लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी काल कोठरी में बंद कर दूंगा। ये सुनकर किसान की बेटी ने साहूकार से प्रार्थना की कि साहूकार जी, आप ऐसा मत कीजिए, हम आपकी पाई पाई चुकाने की कोशिश करेंगे। ये सब हमने अपनी हिंदी पिक्चरों में देखा है, बट आगे कहानी बड़ी ही सुंदर रूप लेती है। किसान की पुत्री को देखने के बाद साहूकार का मन बदल जाता है, उसके अंदर स्वार्थ आ जाता है, लोभ आ जाता है। साहूकार किसान से कहता है, देख मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा अगर तेरी बेटी मुझसे शादी करे तो। यह सुनकर किसान और उसकी बेटी बड़ा ही दुखी होते हैं, मगर वो कुछ कर नहीं सकते। परिस्थिति ऐसी थी कि अगर वो साहूकार से उल्टा जवाब देते तो शायद साहूकार उनके साथ वही करता जो वो और लोगों के साथ करता और यातनाएं देता। ये सब सोचने के बाद किसान ने और उसकी बेटी ने दोबारा साहूकार से प्रार्थना की कि कृपया करके वो उन पे दया करें। तो साहूकार ने सोचा कि चलो ज़बरदस्ती नहीं तो इस मामले को प्यार से सुलझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसने किसान से कहा, देख मैं तेरा कर्ज़ा माफ़ कर सकता हूँ अगर तेरी बेटी मुझसे शादी करे तो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुझे और तेरी बेटी को कुछ संकोच है, तो ऐसा करते हैं, एक शर्त लगाते हैं। मैं अपनी छोटी सी थैली में एक काले रंग का पत्थर और एक सफ़ेद रंग का पत्थर डालूँगा और तेरी बेटी बिना देखे उसमें से एक पत्थर बाहर निकालेगी। अगर काला पत्थर आया तो वो मुझसे शादी करेगी, मैं तेरा कर्ज़ा माफ़ कर दूँगा, और अगर सफ़ेद पत्थर आया तो वो मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है और मैं तेरा कर्ज़ा फिर भी माफ़ कर दूँगा। किसान की बेटी ने सोचा कि हमारे पास हाँ या ना कहने का समय नहीं है, हमें साहूकार जो कह रहा है वो करना ही होगा। साहूकार ने देखा कि अब उस परिस्थिति है जिसमें वो अपने लक्ष्य को पा सकता है, तो उसने रास्ते से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठाने के लिए झुका, पर जैसे ही उसने काला पत्थर उठाया फिर दोबारा उसके मन में लोभ आ गया। उसने एक काला पत्थर उठाने के बाद चुपके से दूसरा पत्थर भी काला ही उठाया और ये किसान की पुत्री ने देख लिया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी, लाचार थी। मगर उसने परिस्थिति में अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया, उसने अपनी आशा को टूटने नहीं दिया और उसने अपने आप से कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकें। तो जैसे ही साहूकार ने उसे कहा कि अब इसमें से एक पत्थर, इस थैली में से एक पत्थर चुनो, तो उसने थैली में से एक पत्थर अपनी मुट्ठी में लेकर यूं दिखाते हुए कि वो बहुत डरी हुई है और सहमी हुई है, उस पत्थर को साहूकार को दिखाने से पहले नीचे ज़मीन पर गिरा दिया।
जमीन पर पत्थर गिरने के बाद वो और पत्थरों में मिल गया और ये समझना मुश्किल हो गया कि उसने कौन से रंग का पत्थर उठाया था। साहूकार ने कहा, अरे ये तुमने क्या किया? अब हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने काला पत्थर उठाया था या सफेद पत्थर उठाया था? किसान की पुत्री बहुत समझदार थी। उसने साहूकार से कहा, साहूकार जी, मैंने कौन सा पत्थर उठाया था उसकी चिंता मत कीजिए। आपने तो एक काला और एक सफेद पत्थर अपनी थैली में डाला था ना। आप अपनी थैली को खंगोलिए और देखते हैं आपकी थैली में कौन सा पत्थर है। अगर आपकी थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर उठाया था, और अगर आपकी थैली में सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर उठाया था। साहूकार अपने ही जाल में फंस गया और वो कैसे बताता कि उसने लालच में आके किसान और उसकी पुत्री के साथ धोखा करने की कोशिश की थी। इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, अगर आप अपना मनोबल ना टूटने दें, अगर आप अपनी हिम्मत ना टूटने दें, तो आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो। दुनिया में अगर आप देखोगे, जो लोग जिन्हें हम महान कहते हैं, उनमें यही बात थी। आप गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए। कौन सोच भी सकता था कि हथियारों के साथ जो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, उनको हम अहिंसा के रास्ते से अपने देश से बाहर करेंगे, हम अहिंसा के रास्ते से आज़ादी पा लेंगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी है तो कठिनाइयाँ आएंगी, और अगर कठिनाइयाँ आएंगी तो ही आप निखरोगे, और इसी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते हम असली हीरा बनते हैं। सो कठिनाइयों से डरे नहीं, अपनी हिम्मत को ना टूटने दें, अपने मनोबल और अपनी हिम्मत से कठिनाइयों पे विजय पाने की कोशिश करें। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। मैं और भी आपके लिए दिन प्रतिदिन लाता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया।